ओके सो दिस इज़ लेक्चर टू एंड आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स ठीक है तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स तो मैंने बोला था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल एडिशन नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए अलग से एडिशन होता है जिसको हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं उसी तरीके से जो बाकी ऑपरेशंस हैं वो भी वेक्टर्स में डिफरेंटली होते हैं फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन अब मल्टीप्लीकेशन वाला टॉपिक मैंने एडिशन से पहले लिया है बिकॉज इट इज़ ईजियर ओके तो अब हम देखते हैं कि जब हम किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें तीन केसेस आते हैं मतलब हम वेक्टर्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो पहला इसमें है मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नंबर ओके द सेकंड इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी एंड द थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर विद अ वैक्टर ठीक है तीन केसेस जब आप वैक्टर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वैक्टर को एक स्केलर क्वान्टिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड वैक्टर को एक वैक्टर क्वान्टिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्जैक्ट क्लीर सो द फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन विद अ नंबर दिस इज वेरी इजी वेरी इजी तो इसमें क्या होता है देखो किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करके करते हैं उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं और हम कुछ भी यूनिट बोल देते हैं सपोज कि ये लेंथ आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि वन सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स वन मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोल सकते हैं ठीक है तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट इतना है जो भी इसकी लेंथ होगी अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा ये जो है इसको तीन टाइम्स करके बना दो ठीक है तीन टाइम करके दैट इज इट उसकी लेंथ थ्री टाइम्स इंक्रीज कर दो दैट इज मल्टीप्लीकेशन विद अ नंबर ओके द नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर क्वान्टिटी जब आप किसी वैक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास क्वान्टिटी आती है वो एक वैक्टर आती है ठीक है वेन यू मल्टीप्लाई वैक्टर विद स्केलर वैक्टर इन टू स्केलर गिवज यू वैक्टर ओके सपोज एफ फोर्स आपका क्या है वैक्टर क्वान्टिटी है और वो आता किससे मास इंटू एक्सलेशन से मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एक्सलेशन इज वेक्टर क्वांटिटी तो स्केलर इंटू वेक्टर विल गिव यू द वेक्टर और जो इसमें वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा वही इसमें इस वेक्टर इस का रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा इज दैट क्लियर नाउ नेक्स्ट कम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैक्टर्स अब आता है जो मेन ठीक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैक्टर्स में आपके पास दो केसेस हैं ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करो दूसरे वेक्टर से तो जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर है ये भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है जब आप वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट आपका वेक्टर है ठीक है दोनों चीज़ें पॉसिबल है इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैक्टर्स में दो तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे ओके सो योर केस वन इज़ ए मल्टीप्लाइड बाय बी वैक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वैक्टर बी इज गिविंग यू सी सी इज स्केलर ओके सच प्रोडक्ट इज कोल्ड स्केलर प्रोडक्ट अब क्योंकि रिजल्टेंट स्केलर आ रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम दिखाते कैसे जैसे नॉर्मल मल मल्टीप्लिकेशन में तो आप ये क्रॉस बना देते हो बट इधर हमको स्पेसिफाई करना होता है इधर ये जो डॉट होता है ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट है ठीक है तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो इट इज वन एन द सेम थिंग ओके नाउ इसी का सेकेंड केस यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वैक्टर्स का सेकेंड uh, केस है वेन यू मल्टीप्लाईड टू वैक्टर्स एंड यू गेट अ वैक्टर बी गिवेक्टर्स ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं वैक्टर प्रोडक्ट क्योंकि रिजल्ट इन इज अ वैक्टर ठीक है जैसे इधर आपका सिंबल डॉट था यहाँ पर आपका सिम्बल क्रॉस होता है ठीक है इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम और क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलो इट इज वन एंड द सेम थिंग ठीक है तो आज के हम लेक्चर में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ओके तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ध्यान से सोचो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा जो रिजल्टेंट आएगा इट इज अ स्केलर मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ना डायरेक्शन तो होगी नहीं ठीक है तो उस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए डॉट ए एंड बी तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा ये जो है ये तो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मैथ्स वाला ठीक है अब ये जो थीटा है ये क्या होता है एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स अब आप इधर देखोगे तो वैक्टर में मैं इस चीज़ को भी एंगल बोल सकती हूँ और इस चीज़ को भी तो एंगल बोल सकती हूँ छोटा एंगल बड़ा एंगल दोनों एंगल्स ही हैं बट रिमेंबर जो हम थीटा ले रहे हैं इट शुड बी बिटवीन जीरो एंड पाए पाए मतलब वन एटी डिग्री ठीक है तो जो भी आप वेक्टर्स का एंगल होगी वो छोटा वाला होगा इट शुड बी बिटवीन ज़ीरो एंड पाए इज दैट क्लियर तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी ओके सो दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल इफ फोर्स इज 5 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर फाइंड द वर्क डन इफ़ योर थीटा इज 30 डिग्री अब देखो पहले तो uh, इसने क्या बोला है वर्क डन फाइंड आउट करना है आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैक्टर क्वान्टिटीज़ होते हैं बट जो रिजल्टेंट आता है दैट इज़ वर्क इट इज़ योर स्केलर क्वान्टिटी ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट है ऑब्वियसली तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस यानि मॉड एफ मॉड एस कॉस थर्टी डिग्री अब मॉड एफ क्या हो जाएगा फाइव न्यूटन मॉडेस क्या हो जाएगा थ्री एंड कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थर्टी इज टू थ्री बाय टू तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा अब uh, दिमाग में क्वेश्चन ही आना चाहिए कि इधर uh, जब हम मॉड एफ लिख रहे हैं तो फाइव न्यूटन लिख रहे हैं कि सिर्फ फाइव लिख रहे हैं न्यूटन भी लिख रहे हो ठीक है न्यूटन लिखा होगा इसका और इसका मीटर लिखा होगा तभी जाके तो ये यूनिट आया है आपके पास ठीक है तो हम न्यूट यूनिट्स के साथ लेते हैं इज दैट क्लियर और ये पता भी आपको दैट डब्ल्यू इज अ स्केल अ क्वान्टिटी ओके नाउ वील रीड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स द फर्स्ट पॉइंट इज दैट डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए ये होगा ठीक है देख लेते हैं ए डॉट बी क्या होगा मॉड ए मॉड बी थीटा ठीक है और बी डॉट ए क्या हो जाएगा मॉड बी मॉड ए थीटा अब ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है ना आपका तो आप इसे बी डॉट मॉड बी मॉड ए लिखो या मॉड ए मॉड बी लिखो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग ठीक है तो दोनों सेम है इसलिए द डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटेड ओके नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज नाइ जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होंगे जो दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल क्या हो नाइन्टी डिग्री हो ठीक है वो क्यों होता है देखो थीटा नाइन्टी डिग्री हुआ एंड यू नो दैट कॉस नाइन्टी डिग्री क्या होता है ज़ीरो होता है तो जब आप सपोज ए डॉट बी कर रहे हो उसमें क्या करोगे ए बी कॉस नाइन्टी डिग्री ठीक है अब ये तो ज़ीरो हो गया तो पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाता है ज़ीरो हो जाता है इसका एग्जाम्पल uh, हमने क्लास नाइन्थ में किया था ज़ीरो वर्क डन का एक फॉर्मूला था ये जब कूली लगेज कैरी uh, कर रहा है तो क्या होता है जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगती है ये आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इट इज़ नाइन्टी डिग्री ठीक है तो नाइन्टी डिग्री की वजह से क्या हो जाता है आपका वर्क डाउन जीरो आ जाता है इज क्लियर नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ डॉट प्रोडक्ट इन कार्टीशन प्लेन ओके अभी कार्टीशन प्लेन में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ उससे पहले देखो किसी भी वेक्टर की दो क्या चीज़ें होती हैं वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ इट्स डायरेक्शन जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ठीक है ऑल राइट right. तो इस तरीके से लिख सकते हैं उसे नाउ इफ़ अ वैक्टर एक्ट्स अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन इट इज़ कॉम्पोनेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन्स अगर कोई वैक्टर अलग अलग डायरेक्शन्स में एक्ट कर रहा है तो उसके पास अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होंगे देखो सबसे पहले हम कार्टिशियन प्लेन की बात करते हैं कार्टिशन प्लेन क्या होता है ये एक्स वाई जेड वाला सिस्टम दिस इज़ योर कार्टिशियन प्लेन ठीक है अब मैंने बोला हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो अगर हम इन वेक्टर्स को रिजॉल्व uh, कर लें अलग अलग डायरेक्शन में सपोज़ ये जो ए वेक्टर है आपका ये थोड़ा सा कुछ एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में और थोड़ा सा जेड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपको पूरा वेक्टर ए दे रहा है ठीक है इस टॉपिक को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में और ध्यान से समझेंगे अभी के लिए क्या समझना है एक वेक्टर है वो क्या है वो एक कॉम्बिनेशन है जो आया है इनसे मिलकर वो कुछ एक्स में एक्ट कर रहा है कुछ वाई में कुछ जेड में तो उसको ओवरऑल लिखने का तरीका क्या होगा इस तरीके से लिखेंगे द वक्टर ए इज़ ए एक्स आई कैप बी वाई सॉरी ओके तो अब हमारे पास यूनिट वेक्टर्स थे मैंने बताया था वो ऑलरेडी डिफाइंड है एक्स एक्सिस के लिए आपके पास जो यूनिट वेक्टर है इट इज आई कैप वाई एक्सिस के लिए द यूनिट वेक्टर इज जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए योर यूनिट वेक्टर इज के कैप ठीक है तो अब जब हम इस वेक्टर को Uh, इसके कॉम्पोनेंट्स यूज़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सपोज ए जो है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट है ए एक्स वाई एक्सिस के अलोंग उसका कॉम्पोनेंट है ए वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग uh, उसका कॉम्पोनेंट है ए जेड ठीक है ए जेड तो ऐसी कंडीशन uh, में उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इस तरीके से ठीक है ये बहुत काम आने वाला है अभी ज़्यादा समझ नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके okay, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ध्यान रखना है अदरवाइज रेजोल्यूशन वाले में हम ढंग से करेंगे ठीक है तो अभी सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर्स क्या है एक्स वाई जेड के अलॉन्ग और मैग्नीट्यूड क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वैक्टर है टू आई कैप जे माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप ठीक है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर तो इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा रूट फोर्टीन तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेट्यूड इज क्लियर अब हम कार्टेशियन प्लेन में वेक्टर्स यूज करें उससे पहले हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं अगर मैं सॉल्व करूँ आई कैप डॉट जे कैप तो वो क्या होगा देखो ध्यान से डॉट uh, प्रोडक्ट हमने पढ़ा है आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा मॉड ऑफ आई कैप

आई कैप डॉ आई कैप क्या हो जाएगा मॉड आई कैप मॉड आई कैप कॉस थीटा अब देखो ये यूनिट वैक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा इट विल बी वन ओके तो ये वन हो गया दोनों अब कॉस थीटा आई कैप आई कैप मतलब आप दो ऐसी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ इट विल बी जीरो तो कॉस ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है वन तो ये भी वन हो गया तो आंसर क्या आया वन सो आई कैप डॉट आई कैप इज वन जे कैप डॉट जे कैप इज वन एंड के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो वन ओके तो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं अभी एकदम डिटेल्ड मेथड से चलते हैं उसके बाद मैं एक शॉर्टकट बताऊंगी ठीक है सपोज यूर गिविन टू वैक्टर्स ए कैप जो कि ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी जो वैक्टर है वो है थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे ही एकदम ठीक है ये इन टू ये तो देखो आई कैप इंटू थ्री आई कैप ये हो गया फिर इस आई कैप को जब जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा एंड इस आई कैप को जब टू के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आई कैप इंटू के कैप इज़ ज़ीरो ठीक है तो इधर मैंने एकदम तमीज़ से लिखा है इसे दिस इज़ द फर्स्ट क्वान्टिटी सेकेंड थर्ड फिर जब जे कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी फिर दिस देन दिस और राइट फिर लास्ट बचता है के कैप तो के कैप इंटू थ्री आई कैप के कैप इंटू माइनस जे कैप एंड के कैप इंटू टू के कैप इज दैट क्लियर तो ये पूरा है अब हम इसको सॉल्व करते हैं जरा देखो आई कैप इंटू आई कैप इज वन तो ये क्वांटिटी तो थ्री हो जाएगी आई कैप इंटू जे कैप इज ज़ीरो आई कैप इंटू के कैप ज़ीरो जे आई ज़ीरो जे इन टू जेज़ वन तो माइनस वन आ गया है यहाँ पे ठीक है जे इन टू के ज़ीरो के इन टू आई ज़ीरो के इन टू ज़ीरो के इन टू केज वन तो बचा टू तो इसका आंसर क्या आता है फोर यूनिट्स अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा ठीक है तो आ, इसका डायरेक्ट मेथड क्या है वो देखते हैं तो इसका डायरेक्ट मेथड है अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं ए है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप एंड बी है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप तो क्या करो आई कैप वाले जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस जे कैप वाले कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो प्लस जे के कैप वाले कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो डेट्स इट ठीक है तो देखो कितना ईजी हो जाएगा ये ए था ये बी था तो वन इंटू थ्री थ्री हो गया फिर वन इंटू माइनस वन माइनस वन हो गया एंड वन इंटू टू कितना हो गया टू हो गया डायरेक्ट आंसर फोर ठीक है अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं ए कैप इज आई प्लस जे प्लस के एंड बी इज़ थ्री आई माइनस जे प्लस टू के फाइंड द एंगल बिट्वीन द टू वैक्टर्स हमको क्या निकालना है एंगल तो हमें पता है दैट डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस मॉड ए मॉड बी कॉस्थीटा तो बेसिकली हमें एंगल निकालना है मतलब कॉस्थीटा निकालना है तो कॉस्थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी ठीक है अब ए डॉट बी तो अभी मैंने निकालना सिखाया था डायरेक्टली जो आई से आई वाले कॉम्पोनेंट हैं जे से जे और के से के वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो गया वन इंटू थ्री इज़ थ्री ओके वन इंटू माइनस वन इज़ माइनस वन एंड वन इंटू टू इज़ टू अच्छा पुराने वाले ही क्वेश्चन है तो इट्स फोर तो ये तो क्वांटिटी फोर आ गई ठीक है अब मॉड ए क्या होगा मैंने मॉड ए निकालना भी सिखाया था आँ... मॉड ए क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन प्लस वन विच इज़ रूट थ्री एंड मॉड बी क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर तो ये हो गया रूट फोर्टीन वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ठीक है तो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ओके ऑफ दैट क्वान्टिटी एकदम सेम क्वेश्चन uh, करते हैं इफ़ ए कैप ए वेक्टर इज़ आई कैप माइनस जे कैप एंड बी वेक्टर इज़ जे कैप माइनस के कैप फाइंड द एंगल बिटवीन दैम सेम प्रोसीजर वेक्टर ए वेक्टर बी इज़ मॉड ए मॉड बी कॉस सीटा तो कॉस सीटा क्या आ गया यहाँ से ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी क्या हो गया आई इंटू ज़ीरो वन इंटू ज़ीरो माइनस वन इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू माइनस वन तो हो गया माइनस वन ओके अब ये मॉड ए निकालोगे वो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन विच इज अंडर रूट टू एंड मॉड भी क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन विच इज मॉड रूट टू तो ये वैल्यू पुट करोगे तो माइनस हाफ ओके तो कॉस थीटा इज माइनस हाफ तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हाफ वो आप निकाल सकते हो ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इफ वेक्टर ए इज एल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप and vector b is i cap minus j cap plus k cap are orthogonal find alpha orthogonal का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में angle क्या है 90 degree. And you know that cos 90 is 1 Sorry, cos 90 is 0 और मैंने बताया जब भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज 0 तो क्या करो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो एंड इक्वेट कर दो 0 से तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू वन विच इज़ एल्फ़ा टू इंटू माइनस वन विच इज माइनस टू एंड वन इंटू वन इज़ वन तो एल्फा माइनस टू प्लस वन इज़ ज़ीरो सो अल्फ़ा माइनस वन इज़ जीरो एंड हैंस योर हैंल्फ़ा इज़ वन ओके